हेलो स्टूडेंट्स, अगेन इन द अभिमन्यु आईएएस, माई सेल्फ प्रवेश वत्स, द सीनियर फैकल्टी फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड आई वेलकम यू इन द इशू एंड एनालिसिस सीरीज ऑन द यूट्यूब, जहां पर हम हर हफ्ते अलग अलग मुद्दों को लेकर आते हैं, जो ऐसे मुद्दे हैं जिनका प्रिलिम्स और मेंस यूपीएससी के दोनों ही एग्जाम्स में इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस होता है। तो आज हम आए हैं एक ऐसा मुद्दा लेकर विच इज़ नॉट ओनली इन द न्यूज़ बट इज ऑल्सो हैव a large possibility to appear in the prelims as well as in the mains exam in different variations. So, iska naam hai Places of Worship Act 1991. This is a law of the Parliament of India jo 1991 mein pass hua aur aaj tak ye kanoon hai. Is kanoon ke alag alag pravdhan hain jo ki debatable hain, iska criticism bhi hai. Way forward kya ho sakta hai, sari cheezon pe hum baat karenge. Aur उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू शेयर वन इन्फॉर्मेशन दैट वी इन द अभिमन्यु आईएएस आर टारगेटिंग द सिविल सर्विसेज प्रोग्राम ऑफ यूपीएससी फॉर 2023 एंड 24. ये एक साल का कोर्स होगा जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड कोचिंग हम दे रहे हैं. इसमें मॉर्निंग बैच, आफ्टरनून बैच, इवनिंग बैच एज पर द टाइम सूटेबिलिटी हम दे रहे हैं. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट इज This is available in both online as well as in offline mode. I teach Indian polity in this module, so those who wants to take my module, they may take my module also. And those who wants to join the full coaching, so they can contact on this number. And those who wants to join via the link, so the link is also available in the description box of this video. So now we are moving towards our point. Places of Worship Act. ये न्यूज़ में क्यों था? Why we have to study this? So for this we have to look at these two statements. First, slew of petition means a number of petitions have been filed against this act. इस एक्ट के खिलाफ हमारी जो जुडिशियल institutions है वहां पर प्लीज फाइल हो रही हैं. Contending ये कहा जा रहा है कि इट हैज इलीगली फिक्स्ड अ रिट्रोस्पेक्टिव, यानी पीछे से. रिट्रोस्पेक्टिव मीन्स पीछे किसी डेट से, अगस्त 15, 1947, बैरिंग हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख फ्रॉम अप्रोचिंग द कोर्ट्स टू रीक्लेम देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप विच वर इन्वेडेड एंड क्रोस्ड बाय द फंडामेंटलिस्ट बारबेरिक इन्वेडर्स. सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो ऐसी ऐसी प्लीज फाइल हो रही है हमारे कोर्ट्स में, वेदर इट इज द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, वेयर द people of certain communities which I mentioned on this board are saying that we are unable to protect our religious institutions or denominations jo kabhi kisi barbaric invader ne ya fir kisi fundamentalist yani orthodox section of community ne un par kabza kiya tha, unko hum nahi chhuda pa rahe. So kyon nahi chhuda pa rahe? Because we have the act in the year 1991 jisne kaha ki 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी. तो कोई छेड़खानी नहीं होगी तो आप के उस रिलीजियस या किसी भी डिनोमिनेशन पर अगर किसी का कब्जा है तो आप उसको छुड़ा भी नहीं सकते. इसका सिंपल सा मतलब यह है. सेकंड पॉइंट, अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वी हैव न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस यू ललित, राइट, इज द न्यू सीजीआई. He has said that petitions would be listed before an appropriate three-judge bench of the apex court. इन्होंने कहा है, कल ही इन्होंने कहा है कि तीन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की एक बेंच बनाई जाएगी और वो इन सारी पिटीशंस को डील करेंगी. एंड आफ्टर दैट वी विल कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेफरिंग द चैलेंज टू द 1991 लॉ टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 judges, राइट. पहले तीन सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे ये तय करेंगे. एंड आफ्टर दैट as per the circumstance and possibility, a big bench of 5 judges of the Supreme Court will deal with this matter and will give a next verdict. Now, few hot topics, or I would say the very popular instances where we are seeing the Places of Worship Act are playing its role. First, काशी विश्वनाथ टेम्पल वर्सेस ज्ञान व्यापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स, इट इज इन उत्तर प्रदेश, राइट. दिस इज मॉस्क, दिस इज टेम्पल. देन
कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वर्सेस मॉस्क, हेयर इज द मॉस्क, हेयर इज द कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल इन द मथुरा. देन राम जन्मभूमि इन द अयोध्या वर्सेस बाबरी मॉस्क, दिस इज टेम्पल, दिस इज मॉस्क, एंड इन बिटवीन आई हैव यू नो यूज द इमेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट इन दिस टाइटल सूट अंडर विच द टेम्पल विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड ऑन अदर प्लेस द मॉस्क विल बी constructed, right? Then, what is the places of worship act? हमें इसके अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा कि ये एक्ट है क्या, कैसा है, क्या क्या provisions हैं. So let's see what it aims. First of all, so it seeks to prohibit conversion of a place of worship and maintain its religious character as was at the time of India's independence, which is on August 15, 1947. सिंपल भाषा में ये किसी भी अटेम्प्ट को रोकता है अगर 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी मॉन्यूमेंट, किसी भी स्ट्रक्चर को आप छेड़खानी करते हो तो उस छेड़खानी को ये रोकता है. दैट इंटरवेंशन कुड बी जस्टिशियबल, नॉन जस्टिशियबल, दैट इंटरवेंशन मे बी इंटेंशनली करेक्ट और नॉट, बट इट कंप्लीटली बार्ज एनी सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन इन दैट इंस्टीट्यूशन, इन दैट पर्टिकुलर डिनोमिनेशन. सेकेंड, इट बार्स द कन्वर्जन, यानी ये उस एनी स्ट्रक्चर को उसमें किसी भी तरीके का कन्वर्जन को रोकता है, चाहे वो फुल कन्वर्जन हो चाहे वो कुछ कन्वर्जन हो. ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी किसी पूजा स्थल में आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते. एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, किसी धार्मिक संस्थान या उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसके स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते. Into a different religious denomination, किसी दूसरे religious denomination के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, और even a different segment of the same religious denomination, अपने ही किसी धर्म के किसी और संप्रदाय के religious denomination में भी आप छेड़खानी नहीं कर सकते. All these are the salient provisions of the Places of Worship Act in the year 1991. Then, any suit or legal proceedings regarding the conversion of the religious character of any place of worship existing on 1947 pending before any court shall end and no fresh suit shall be initiated. ये एक्ट ये कहता है कि अगर अगस्त 15, 1947 which is the independence day of India, आपका कोई religious denomination, किसी दूसरी community का religious denomination या फिर कोई ऐसा structure है, तो ना केवल आप उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते बल्कि कोई उसमें सूट, कोई प्ली, कुछ भी फाइल नहीं कर सकते, और यदि की तो उसको भी हम नल एंड वॉइड कर देंगे, हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे. सो दीज आर टू मेजर प्रिंसिपल्स विच आर आल्सो द बोन ऑफ कंटेंशन एंड रिवाइविंग द क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी ऑफ दिस लॉ, कि क्या वास्तव में ये कानून सही है या फिर ये कुछ गलत कर रहा है. राइट, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 3442. राइट, these sections are also very important to understand the crux of this law. First, it bars the conversion, as I mentioned, in full or part of any religious denomination or different segment. So the thing which I have just mentioned, ki ye har cheez mein bar karta hai, kisi bhi religious institution denomination ki maintenance character, uska kuch bhi aap chhedkhani nahi kar sakte, to wo kehta hai section 3. Section 4 clause 1 kehta hai ki religious character of a place जैसा था वो वैसा ही रहेगा ऑन August 15, 1947 के बाद, जैसा उस दिन था वैसा ही रहेगा. सेक्शन 4 क्लॉज 2, एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी एंटरटेन एंड नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और एंटरटेन बाय द कोर्ट. राइट, तो ये तीन ऐसे प्रोविजंस हैं जो डिबेटेबल हैं, जिनके ऊपर समय समय पर क्रिटिसिज्म भी होता है. Right? After this, the following are the exemptions from these provisions. Is law ne kuch exemptions di hain apne provisions ke andar. Let's see what are these. Ancient and historical monuments and archaeological sites, yani puratatv, purani evam itihas kalin, koi bhi agar monument agar site hai and remains that are covered by the Ancient Monuments, Archaeological Site and Remains Act 1958. यानी ऐसी कोई भी institutions,
आर पार्ट ऑफ दिस एक्ट एंड इट इज एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द 1991 एक्ट ऑफ places of worship. Then a suit that has been finally settled, disposed, any dispute settled by the parties or conversion took place by acquiescence before the act commenced. Yani before 1991, if anything has been settled by the court, disposed and settled as per the law, that would be considered as appropriate. The act also doesn't apply to the places of worship commonly referred to as Ram Janma Bhoomi versus Babri Masjid Ayodhya, and this law will have an overriding effect over any other law in force, which simply means that Ram Janma Bhoomi, particular religious denomination with the mosque, is outside the purview of this law of the 1991 places of worship, and because of which only we could be able to justify the actions of the government, the actions of the civil society, the actions of the judicial institutions when we have changed the character of the Ayodhya title suit under which we have separated the Rama Janma Bhoomi as a different temple and the mosque on a different place with equal protection of all religion and equal respect to all religion. So we can say that we have maintained the Indian notion of secularism, which is equal respect to all religion and equal protection to all religion. Now further, criticisms surrounding the law. What are the criticism? It is challenged because it bars the judicial review. As I just mentioned in the earlier slide, that here it bars the conversion and it no fresh suit and legal proceeding shall be instituted. So section 3 and 4 clause 1 is completely saying that no plea would be entertained which is against the judicial review power of the Supreme Court as well as of the High Court, because judicial review is also the basic structure doctrine, and if any law, if any executive order is not allowed to be scrutinized by the judicial institution, so we consider that it is against the judicial reviewing power and the basic structure doctrine. Then the act was challenged in the Supreme Court on the basis of that the law was a contravention of the principle of secularism as laid down by the Constitution of India. So we have Indian notion of secularism, which says that India and the state India will promote all religions equally and will respect all religions equally. So the time when we are saying that we will not interfere in the religious institution, after 1947, and we will not check the legality of those. So it is somewhere directly or indirectly hurting one community's religious interest over the other, right? What should be the proper mechanism that we will deal in the way forward? Then, way forward. The country should be run on the constitutional principles, right? Our country is a democratic country, is a constitutional country. We have constitutionalism, we have constitutional morality, we have rule of law. So, hamare yahan par sab kuch jo hona chahiye, wo constitution ke hisab se hona chahiye, right? But if any law is hurting the constitutional principles, so we should think on it and we should try to reform it.